फरीदाबाद के YMCA कॉलेज के छात्रों ने अपने ही कॉलेज के चीफ वार्डन के खिलाफ हंगामा किया। छात्रों के मुताबिक इन्हें पिछले 10 दिन से पानी नहीं मिल रहा है और ऊपर से चीफ वार्डन उनसे बदतमीजी कर रहे हैं। गुरुवार सुबह YMCA के छात्रों का गुस्सा ऐसा फूटा कि उनको संभालने के लिए कॉलेज प्रशासन को पुलिस बुलानी पड़ी। इन छात्रों ने कॉलेज प्रशासन पर आरोप लगाया है कि उनको पिछले 10 दिन से पीने का पानी नहीं मिल रहा। जब इसकी शिकायत चीफ वार्डन से की गई तो चीफ वार्डन ने छात्रों के साथ बदतमीजी की, जिसका वीडियो भी वायरल हुआ है। दीपक तेवतिया नाम है। दीपक, क्या हुआ आज कॉलेज में? सर, आज एक हॉस्टल के बच्चों को मारा था सर, तो उसके रिगार्डिंग धरना प्रदर्शन किया था गेट पे हमने, और उसमें हमारी डिमांड यही थी, पहले आप कोई एक्शन ना लो, पहले सर का मेडिकल करा दो। सर को बुला ही नहीं रहे कॉलेज वाले, कह रहे उनका एक्सीडेंट हो गया। हाँ, मिले VC सर हमारे गेट पे आए थे, उन्होंने हमसे बात की। अभी कॉलेज लॉ डिपार्टमेंट का एक्शन ले रहा है, हमें से बुलाए हैं बात करने के लिए। तो जो भी उस टाइम पे वारदात में मौजूद थे, जो जो बच्चे वो अंदर गए हैं और कुछ लड़कियां गई हैं गर्ल्स हॉस्टल की, और जो जो यहाँ पे हमारे ऊपर से जिनके मद्देनजर स्ट्राइक हुई थी वो बच्चे वहाँ अंदर बात करने गए। वार्डन के खिलाफ क्या चाहते हैं? वार्डन के खिलाफ हम 3 डिमांड चाहते हैं। पहला, उसका मेडिकल हो, कि उसने ड्रिंक कर रखी थी कि नहीं कर रखी थी, ये पुष्टि हो इस चीज़ की। दूसरी, कि उसके वो माफ़ी मांगे जिस बच्चे के साथ उसने बदतमीजी करी है और मारपीट करी है, झड़प की है। तीसरा, उसकी सस्पेंशन की मांग करते हैं। और ये भी, क्या नाम है आपका? मेरे गौरव मेला। गौरव, क्या हुआ था भाई? कल रात 8:30 बजे के करीब बच्चे पानी के लिए गए थे उसके केयर टेकर के पास, उन्होंने कह दिया कि अभी पानी नहीं है। थोड़ी देर बाद वो हॉस्टल का चीफ वार्डन आया, दारू पी के नशा कर रखा था उसने, और आके फिर बच्चे में उसमें मार लगानी स्टार्ट कर दी। फिर एक बच्चा वीडियो बनाने लगा, उस बच्चे को गाली दी, ऊपर से खींच के कॉलर पकड़ के नीचे लेके आए हैं और सबके आगे उसमें मार लगाई है। उसके बाद बच्चे फिर VC सर के ऑफिस के बाहर आए हैं कि हाँ थप्पड़ी मारा था, मारा गई थी, तो VC सर सस्पेंड करने की धमकी भी दी। VC सर के ऑफिस के बाहर आए बच्चे, तो उन्होंने बोल दिया VC सर अभी है नहीं, तो VC सर खुद बोल रहे हैं कि मैं 11 बजे के करीब आ गया था यहाँ पे, बच्चे 1 बजे तक यहाँ प्रोटेस्ट करते रहे, पुलिस आई है 10 बजे, 10 बजे बच्चों ने रिटर्न में कंप्लेंट दे दी है। उसके बाद वो बोल रहे हैं कि सुबह 10 बजे तक कार्रवाई हो जाएगी। सुबह 10 बजे तक बच्चों ने इंतजार करा, 10 बजे तक जब कुछ भी नहीं हुआ, उसके बाद यहाँ पे बच्चों ने गेट पे धरना प्रदर्शन स्टार्ट करा। खबरों की विस्तार से जानकारी के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और क्लिक करें बेल आइकन पर, ताकि कोई भी खबर आपसे अछूती ना रह सके।